झारखंड में गर्मी जानलेवा हो गई है। यहां बीते 24 घंटे में गर्मी और लू से 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 पलामू के हैं। इसके अलावा रामगढ़, दुमका, धनबाद और जमशेदपुर में एक एक की जान गई। इस बीच गोड्डा का तापमान शनिवार को 46 डिग्री के भी पार कर गया। यहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मेदिनीनगर का पारा 44 डिग्री पर रहा। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में 20 जून से बारिश की उम्मीद है। पलामू के MRMCH में शनिवार को पाटन की सिरमा पंचायत के रोजगार सेवक साकिर हुसैन सहित दो की मौत गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ने और अंतर हार्ट फेल करने से हो गई। शुक्रवार को भी यहां इसी तरह 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही पलामू के विभिन्न अस्पतालों में शनिवार को 25 से अधिक मरीज लू लगने जैसी बीमारियों से परेशान होकर पहुंचे। वहीं रामगढ़ CCL सिरका में कार्यरत महिला सुरक्षा कर्मी मानो देवी की भी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान तेज गर्मी से उनका BP बढ़ गया था, जिससे मूर्छित होकर वह कार्यस्थल पर ही गिर गई। बाद में उनकी मौत हो गई। उधर दुमका में लू से SSB जवान प्रमोद कुमार की मौत हो गई। दूसरी ओर धनबाद के निरसा में मैथन पावर लिमिटेड में ट्रांसपोर्टिंग में चलने वाले हाईवा चालक निमाई गोराई की लू लग जाने के कारण मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के नुआ गांव के सहदेव सीट की लू से शुक्रवार देर शाम मौत हो गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।